ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਖੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਪੀਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਰੇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨੀਚੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਤਨੀ ਸਲੋ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੀ ਸਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ उस वक्त मुबलैल नहीं खाते सन उदो इन्हें कोई शिकायत नहीं हुई थी हूँ जो भी पत्थर सिस्टम खत्म होया नवे इंजन इन्हें बनाने वो इन्हें भी मोबाइल मुबलैल खाने ना ज़्यादा शिकायत आदि नहीं है साढ़े इलाके तक बस दोस्तों के इंजन ही इस तरीके बह गए हैं दो दो लीटर एक दिन काम कर खा जाते हैं तो बस यही चीज़ें सब चाहिए हाँ असल मामला है कीमतों के बारे जिस तरीके इस बार फिर इन्हें कीमत मिले वाले बताइए तो उत्ते इन्हें इशू किया है कि जी असि रॉ मटीरियल बद गई है लेबर की मजदूरी बद गई है मुख्तलिफ बहाने बना के हालांकि गवर्नमेंट ने जी एस टी 5% ने कम किया है वो अभी अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन उन्होंने अमल दरामद पहले ही इन्होंने कीमत चुक दी कि जो गवर्नमेंट जी एस टी लागू करेगी भी इन्हें फर्क पे पे इन्हें जी कीमत मजीद लख बताया है वो 25,000 का फर्क पवेगा लेकिन फिर भी कंपनियां जी फायदे जाऊंगा किसान फिर भी नुकसान लिहाजा इस सोच समझ से याद कर जिस तरीके कीमत बता रहे हैं उस तरह का सानू ट्रैक्टर भी मुहैया करें जो ट्रैक्टर पुराने हिसाब का देना है फिर कीमत भी कुछ ना कुछ जमींदार का ख्याल करें हूँ इन्ने पैसे असं अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे ज्यादा अफोर्ड करिए ट्रैक्टर जी ना अभी पुराने जमाने दे लेंगे क्योंकि जो काश्तकार है ना 1 से 2 एकड़ का या 4 एकड़ का वो हर गज इस वक्त ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता बिल्कुल खरीद नहीं सकता और अगर वो रेंट पे किराए पे ले आता है ट्रैक्टर लाता है तो मेरे ख्याल से उससे इतनी आमदनी होनी नहीं होनी बिजाई से पहले पहले जो ऊपर किराया लगा देगा ज़मीन में यानी कि छोटे ट्रैक्टर 25 हॉर्स पावर या 30-35 हॉर्स पावर के इतने भी होने चाहिए ज़रूरी और जो क्योंकि शाफ्ट की बात है वो रिवर्स इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये आलुओं की कटाई करते हैं ना उसे डिगर बोलता है इसमें जब ये फंस जाता है जब फंस जाता है तो फिर इस मिट्टी निकालते हैं हाथों से निकालते हैं कसी से निकालते हैं वो रिवर्स होगा तो वो जो काम है तकरीबन 10 मिनट में होना है वो 1 मिनट में 30 सेकंड में हो जाएगा मिल्लर ट्रैक्टर में आज तक कोई तब्दीली नहीं की कैपेसिटी नहीं हैगी एडिया वडिया तब्दीलियाँ का कोई भी इन्हों की अपनी डिवेलपमेंट नहीं टोटल एक मॉडल फड़ते हैं और बढ़िया तो शो बदल दी मरगाड़ बदल दी साइडा के पल्ले बदल दी इस अलावा टैंकी बदल दी इस अलावा इन्होंने कुछ नहीं बदलिया देखो 135 तो लैके 375 तक गेयर बाडी एक डाबा तकरीबन एक हांडा गेयर हांडा एक हूँ देखो ब्लॉक क्लच प्लेट 135 की 240 की 260 की 75-85 किन्ने मॉडल आ गए 45 हॉर्स पावर क्लच प्लेट ड्राइविंग सेम डायमीटर यानी कोई शेप का थोड़ा बहुत फर्क पिया है लेकिन पिया है लेकिन क्लच प्लेट की ग्रिप जी है 45 हॉर्स पावर वास्ते हो गई है असी नैक्सट टाइम जरा नैक्सट टाइम किया पाकड़ एक ड्राइवर ने गलती की फस्ट टाइम से अगे रख लिया वह उच्चा चुक लगा फिर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फिर गजर हो जाए असी फिर कल परसों करवाया करवाया स्पैशल।
हाँ जी राय साहब। हाँ जी भाई यार